Top 20 News is brought to you by Aura Fine Jewelry in association with Cummins College of Engineering for Women, Nagpur. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसीएन न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से एलजी वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने ये चिट्ठी 15 अगस्त पर दिल्ली में झंडा फहराने को लेकर है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को मेरी जगह मंत्री आतिशी झंडा फहराएंगी। माफिया मुख्तार अंसारी और साहबुद्दीन गैंग का शूटर व 1 लाख रुपए का इनामी पंकज यादव एसटीएफ से मुठभेड़ में घायल हो गया। अमरनाथ यात्रा 2024 फिर से शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के पंथा चौक से तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था रवाना हुआ है। पूर्व ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर ने अपनी उम्मीदवारी रद्द करने के संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के फैसले को चुनौती दी है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच प्रदेश में भाजपा विरोधी सभी राजनीतिक दल एक संयुक्त मोर्चा बनाने की तैयारी में है। महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के गठबंधन महाविकास आघाड़ी यानी एमपीए ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना अभी भी भारत में ही रुकी हुई है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने डीसीपी और एसपी रैंक के 16 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। गृह विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। महाराष्ट्र का छत्रपति संभाजीनगर शहर 31 अक्टूबर तक नो ड्रोन जोन रहेगा। नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस शिवसेना यूपीटी और एनसीपी सपा सहित विपक्षी महाविकास आघाड़ी एमवीए के लिए सीट बंटवारे को लेकर बातचीत दिल्ली में नहीं होगी। अजित पवार ने कहा कि विपक्षी दल कह रहे हैं कि माझी लाड़की बहन योजना को कायम रखना संभव नहीं है, लेकिन असंभव को संभव बनाना ही मेरी पहचान है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बांग्लादेश में फंसे राज्य के विद्यार्थियों की सुरक्षा और उनकी वापसी के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने इन विद्यार्थियों को तत्काल मदद मुहैया कराने के लिए विदेश मंत्रालय से संपर्क किया है। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक के फाइनल में जगह बना ली है। ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम को सेमीफाइनल मुकाबले में जर्मनी से हार का सामना करना पड़ा। अब भारत गोल्ड की जगह ब्रॉन्ज गोल्ड मैच खेलेगा। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो के फाइनल में एंट्री ले ली है। नीरज लगातार दूसरे ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने के करीब आ गया है। घरेलू शेयर बाजार की शानदार शुरुआत हुई है और स्टॉक मार्केट में निफ्टी 300 अंकों की जोरदार बढ़त के साथ खुला है। आईटी इंडेक्स आज का स्टार परफॉर्मेंस बनता दिख रहा है, जिससे इंफोसिस चमका है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि महान साहित्यकार व दूरदर्शी शिक्षाविद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की पुण्यतिथि पर उनके चरणों में नमन करता हूं। स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान अपना नया शो लेकर आ रहे हैं। उनका ये नया शो कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो की तरह है। इसका प्रोमो सामने आ गया है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यू ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।